finishes off in style. इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे इंटरनेशनल 11 अक्टूबर 2022 दोपहर 1:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। इस मैच के लिए अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो भाई साहब ये दिल्ली की पिच है, यहाँ पर सभी बने बनाए समीकरण बिगड़ जाते हैं। यहाँ की पिच बैलेंस्ड है जो बैटर और बॉलर दोनों को सेम हेल्प करती है। यहाँ की पिच में एक्स्ट्रा बाउंस और स्विंग है जो निश्चित ही तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत होगी। यहाँ पर हुए पिछले 4 वनडे में 55 में से 32 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाले हैं। यहाँ पर खेले गए पिछले 3 मैचों में जो टीम पहले बैटिंग करती है वह जीत हासिल करती है। हम फाइनल टीम में इन सब बातों का बखूबी ध्यान रखने वाले हैं। हम अगर इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी हो सकती है। शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आवेश खान। पिछले मैच में वाशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद की टीम में एंट्री हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज किसी एक को रेस्ट मिलने वाला है और कोई एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खेलने वाला है। हम अगर दक्षिण अफ्रीका के प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी हो सकती है। जेनमन मलान, क्विंटन डिकॉक, रीजा हेनरिक्स, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, वेन पर्नेल, जोर्न फॉर्च्यून, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और एनरिक नोरकिया। इस मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका इस टीम में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है, यही टीम खेलेगी इसकी पूरी संभावना है। हम अब अगर आपके लिए फैंटासी प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी होनी चाहिए। विकेट कीपर में क्विंटन डिकॉक, संजू सैमसन या ईशान किशन दोनों में से कोई एक, बैट्समैन में शिखर धवन, रीजा हेनरिक्स और श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर में एडन मार्करम और शार्दुल ठाकुर, वहीं गेंदबाजी में केशव महाराज, कगिसो रबाडा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज या एनरिक नोर्टजे, दोनों में से कोई एक। हम अगर आपके फैंटासी टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो आप शिखर धवन को कप्तान बनाइए, वहीं कगिसो रबाडा को वाइस कैप्टन। वहीं अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी तो आप क्विंटन डिकॉक को कप्तान बना सकते हैं, वहीं कुलदीप यादव या एडन मार्करम दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन। इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे वनडे इंटरनेशनल के लिए हमारी ओर से फैंटेसी टिप्स यह है कि इस मैच में आपको एक ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आप ईशान किशन को रखिए, वहीं अगर चेज करेगी तो संजू सैमसन को रखिए। बैट्समैन में आप शिखर धवन को जरूर ट्राई कीजिए, अपने होम ग्राउंड पर वह जलवा दिखा सकते हैं और वह कैप्टेंसी चॉइस भी हो सकते हैं। वहीं ऑलराउंडर में एडन मार्करम के फॉर्म में आ जाने के बाद उनको मिस नहीं किया जा सकता है। अगर आप शहबाज अहमद के साथ जाना चाहते हैं तो कुलदीप यादव को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यह रिस्की हो जाएगा। गेंदबाजी में सिराज या नोर्टजे में से किसे रखना है ये टॉस के बाद डिसाइड करने में ईजी रहेगा। वैसे दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, टॉस जीतने वाली टीम यहां पर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। जो चेंजेस हमने आपको अभी बताया है वह प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद टॉस के अनुसार किया जाएगा। फाइनल टीम हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट पर देंगे, तो अब आप अपनी टीम बनाइए और जीत का आनंद लीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। साथ ही जरूरी सजेशन, इन्फॉर्मेशन और फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट से भी जुड़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनका भी टाइम बचाइए। थैंक यू सो मच।